हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने माइक्रोमैक्स आईएन 1B एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डिलीट हुई फोटो या वीडियो को आप ना रिकवर कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप ना डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को आप ना दो तरीकों से रिकवर कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के जरिए डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप जो है डिलीट हुई वीडियो को रिकवर कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए ही आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। ठीक है, गैलरी के अंदर देखिए मेरे पास एक ये वाला फोटो है, मैं आपको पास करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ये टेबल और ये कुर्सी का यहाँ पर जो ये पिक्चर है। ठीक है, पहले इस फोटो को मैं डिलीट करूँगा, इसके बाद मैं आपको इसे रिकवर करके दिखाऊंगा। तो देखिए, इस फोटो को मैं जो है पहले तो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मूव टू ट्रैश कर दिया, तो यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना दोस्तों, रिकवर करने के लिए आपको जो है नीचे की साइड ये लाइब्रेरी का ऑप्शन दे रखा है, लाइब्रेरी पे आपको टैप करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये चौथे नंबर का ये पेज दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन ट्रैश का, ट्रैश पे टैप करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रैश वाला ये पेज आ चुका है, यानी कि डिलीट वाला पेज है आपके फ़ोन का। इसमें आपकी जो है जितनी फोटो आप फोटो या वीडियो आप डिलीट करते हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। तो देखिए, इस वाली फोटो को हम जो है ना रिकवर करने के लिए करना है कि आपको इस फोटो को उंगली से दबा के रखना है। तो नीचे की साइड ये रीस्टोर का ऑप्शन आता है, रीस्टोर पर आपको टैप करना है। तो यहाँ पर एक और पेज आएगा रीस्टोर का, रीस्टोर पर इस पर फिर से दोबारा टैप करिए, तो यहाँ पर आपका जो है ना ये फोटो जो है रिकवर हो जाएगा और आपकी फ़ोन की गैलरी में वापस चला जाएगा। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि फ़ोन गैलरी में हमारा ये वापस गया है कि नहीं गया। ये देखिए, ये फोटो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना इसे रिकवर कर सकते हैं अपनी डिलीट हुई फोटो या वीडियो को। लेकिन इसमें जो है ना एक लिमिट होती है कि कितने दिनों में आप जो है रिकवर कर सकते हैं, इसमें भी एक लिमिट होती है। ठीक है ना, लिमिट कितनी होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम जो है अपने इसी ट्रैश वाले पेज में वापस आ चुके हैं, इस वाले पेज में। तो यहाँ पे आप नीचे पढ़ लीजिए, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आफ्टर 60 डेज इन ट्रैश। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये है ना डिलीट करने की बात कर रहा है, मतलब जिस डेट को अगर आप कोई भी फोटो या वीडियो जिस डेट को डिलीट करेंगे ना, उसके आगे आने वाले 59 दिन तक यहाँ पर वो फोटो या वीडियो पड़ी रहेगी। ठीक है, अगर 60 दिन के अंदर आपने इसे जो है यहाँ से रिकवर कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज 60 दिन बाद जो है ना ये ऑटोमेटिक परमानेंट आपका मोबाइल फोन जो है उस फोटो या वीडियो को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये सेट इसमें इतनी लिमिट होती है, 60 दिन लगभग 2 महीने होते हैं। ठीक है, 2 महीने तक यहाँ पे पड़ी रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई दिया है कि कैसे आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर पाते हैं। ठीक है ना,